हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। मैं राजकुमार यदुवंशी आपका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के। क्लास नाइन्थ का मैथ है बच्चा, ये आपका एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आसान है, इससे ज़्यादा आसान सवाल आज तक कहीं हुआ ही नहीं। देखो सवाल में क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि आकृति 5.10 में यदि ए सी इक्वल बी डी है तो सिद्ध कीजिए ए बी इक्वल सी डी। आकृति जो कह रहा है ना, यही आकृति की बात कर रहा था, बुक में ये चित्र बना था इसलिए इसको ऐसा लिखा था, मैंने यहाँ बना लिया। हाँ, इसमें कह रहा है कि यदि ए सी बी डी के बराबर है, ए सी बराबर है बी डी के, बच्चा ध्यान देना, मतलब ये जो ए सी है वो बी डी के बराबर है, यानी जितना ये ए सी है उतना ही ये बी डी है, ऐसा ये कह रहा है। हाँ, तो क्या करोगे अब, ए सी और बी डी के बारे में बोल रहा है तो ए सी बी डी निकाल लो। चलो ए सी बराबर हम निकालेंगे ए और सी, इसको किनारे कर दो हम, इतना अगर लें तो आप ये सोचो कि अगर इसके बीच में एक टुकड़ा है तो ए सी बनाने में क्या क्या प्रयोग हुआ भाई, ए बी और धन बी सी ना, तो बच्चा इसे लिख सकते हो ए बी धन बी सी, ये समीकरण एक। उसके बाद अगला अगर हम बात करें तो क्या है, बी डी, बी डी। अब बी डी बनाने में क्या क्या उपयोग हुआ भाई, ये इतना बी डी, देखो बी सी और सी डी ना, तो क्या लिखोगे, बी सी धन सी डी, ये हो गया समीकरण दो। क्या करोगे, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, चूंकि कह रहा था कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, तो बच्चा समीकरण एक व दो से क्या करोगे, ए बी व, ऐसा नहीं लिखो, थोड़ा गड़बड़ लग रहा मुझे ये, ऐसा सही नहीं है, आप पहले लिखो इधर साइड में लिख लो, यहाँ कम अच्छा लग रहा, नीचे सही नहीं है। इसके बाद यहाँ लिखो, लिखो चूंकि ए बी इक्वल सी डी, ये दिया है भाई, ब्रेकेट में लिख लो, चाहे दिया है, दिया है, इसलिए ए बी का मान रख दो बच्चा, ए बी सी डी के बराबर है ना, हमने निकाला किसका मान है, ए सी का निकाला है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए सी बी डी के बराबर है, ए बी नहीं दिया होगा इसमें, ये देखो ए सी, ए सी बी डी के बराबर है, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया बच्चा। हाँ, ए सी किसके बराबर है, बी डी के, हाँ अब ठीक है, तो ए सी का मान यहाँ से ला के रख दो, ए बी धन बी सी बराबर बी डी का मान भी ला के ढकेल दो इसमें, बी सी धन सी डी, क्या है बी सी धन सी डी, ये क्या है, दिया गया था, हाँ दिया गया था ना, अब क्या, अब तो सिंपल सा है यार, ये देखो ए बी है, ये बी सी है, ये बी सी है, यानी आप बी सी से बी सी काट सकते हो, चूंकि इधर आएगा तो माइनस से घट जाएगा, इस तरह से आपके पास बचेगा ए बी बराबर सी डी। नीचे लिखो इति सिद्धम, इति सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, कितना आसान है भाई। एक चित्र दिया था, इसमें ये सब कुछ बोला था, बनाया था, मुझे कुछ नहीं करना था, हमने क्या किया, ए सी और बी डी का मान निकाल लिया, तो ए सी निकालने के लिए हमने ए बी और बी सी जोड़ा भाई, सिंपल सी बात है, अगर ए सी निकालेंगे तो बीच में है तो दोनों आधा आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा, इस तरह से करके ले जाके मान रख दिया, हो गया, फटाफट नोट कर लो बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका ये इसमें का छठा क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप इसी तरह से और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, क्योंकि आप ये क्लास देख रहे हैं पीबीआर स्टडी के फेसबुक पेज और पीबीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप बड़ी बड़ी क्लास देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, पूरा एक्सरसाइज पूरा चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो जाए, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हमारे साथ जोड़ें। और हाँ, ये नंबर जो दे रहा हूँ ना बच्चा, इस पर फ़ोन करके बताइए कि आपके कितने मित्र हैं पढ़ने में क्लास नाइन में, और उसके बाद हम लाइव शुरू करेंगे पूरे घंटे घंटे की बड़ी बड़ी क्लास, लेकिन ज़रूर बताना पहले कि हाँ हमारे साथ इतने बच्चे हैं, हम इतने लोग मिलकर पढ़ेंगे। चलो आते हैं अगले क्लास में।